नोएडा पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच 5 बार आमना सामना हुआ है। इस दौरान पुलिस की बदमाशों से 5 मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इस दौरान 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए तो 2 अन्य शातिर बदमाश गिरफ्तार किए हैं। पहली मुठभेड़ कल ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर लूट में वांछित चल रहे एक बदमाश को पुलिस की गोली लग गई और इस दौरान गौरव नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरी ओर मुठभेड़ बादलपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर रंगदारी के मामले में वांछित चल रहा अनिल दुजाना गैंग का शातिर बदमाश कपिल गोली लगने से घायल हो गया। जबकि तीसरी मुठभेड़ आज दिन दहाड़े बिसरक थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर एक 25,000 के इनामी बदमाश मनीष को बिसरक थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में चौथी मुठभेड़ देर शाम बीटा 2 थाना क्षेत्र के सिग्मा में हुई, जहां पर लूट के मामले में वांछित चल रहे 25,000 का इनामी बदमाश वसीम को पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया। और पांचवी मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के बिसरक थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर हत्या के मामले में वांछित चल रहे बदमाश को बिसरक थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। आज थानाध्यक्ष बीटा 2 द्वारा नटमड़िया गोल चक्कर पे चेकिंग की जा रही थी। एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोका गया तो वो नहीं रुका और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब पुलिस पार्टी द्वारा उसको आगे बढ़ के रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में फायर किया, जिससे उसके पैर में गोली लगी। ये अभियुक्त की पहचान वसीम दादरी के रूप में हुई है, जिसपे पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इस पर लगभग आधा दर्जन मुकदमे लूट के मुकदमे हैं, दादरी से, हापुड़ से। इसके पास से 2 मोबाइल लूट के मोबाइल भी बरामद हुए हैं, जो बीटा 2 और कासना क्षेत्र से लूटे हुए हैं। एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई है, तमंचा भी बरामद हुआ है। यह बीटा 2 पुलिस का एक सराहनीय कार्य है। ये थाना बिशरक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुस्ते के पास जो है एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहे हैं वो देखे गए हैं, क्योंकि इस समय चेकिंग चल रही थी। और उसी क्रम में जो है वो थाना प्रभारी के द्वारा जो है वो जब कुस्ते पे चेकिंग की गई तो 2 लोग जो मोटरसाइकिल में सवार थे उन्होंने जो है वो यहाँ से भागना शुरू किया और पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया। पीछा करने पे जो है वो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में जो है थाना प्रभारी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, उसमें एक व्यक्ति को जो है वो गोली लगी और एक व्यक्ति जो है अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया, जिसकी अभी हम लोग जो है वो कॉम्बिंग करा रहे हैं। जिसको गोली लगी है उसको नज़दीकी अस्पताल में जो है वो भर्ती करा दिया गया है। और जो जानकारी निकल के आई है उसमें ये प्रदीप उर्फ लाला जो सरफाबाद का रहने वाला और हिस्ट्री सीटर है और इस पर 25,000 रुपये का इनाम है। इसी जो है वो पुस्ते एरिया में इसने अभी पीछे एक मर्डर किया था, जुए में जो है वो लेकर के विवाद हुआ था, उसमें इसने मर्डर किया था, उसमें ये वांछित चल रहा था। और मौके से जो है एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक जो है वो पिस्टल बरामद हुई है जो इसके पास थी, जिससे इसने मर्डर भी किया था। और एक जो भाग गया है इसकी अभी हम कॉम्बिंग करा रहे हैं और जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कुल मिलाकर नोएडा पुलिस ने बदमाशों पर नकेल डालने की कोशिश की है। ताबड़तोड़ बदमाशों का एनकाउंटर किया जा रहा है और अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ ग्रेटर नोएडा भूपेश प्रताप, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।